हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ बताएंगे, बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड इंडिया की टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। ये आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडिया और सन लाइफ फाइनेंशियल, जो कि एक कनेडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है और 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड आज 2.47 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा की एसेट मैनेज करता है और इंडिया में लगभग 310 लोकेशन में प्रेजेंट है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को मिस्टर ए बालासुब्रमण्यम लीड करते हैं, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। टीम के कुछ और की मेंबर्स हैं, मिस्टर महेश पाटिल को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और इक्विटी टीम को लीड करते हैं। ये 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट को ओवरसी करते हैं। इसके अलावा मिस्टर पाटिल आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और आदित्य बिरला सनलाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड जैसे कुछ फेमस फंड्स भी मैनेज करते हैं। मिस्टर महेश दांगी, वो भी को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन वो फिक्स्ड इनकम टीम को हेड करते हैं। वो 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को ओवरसी करते हैं। मिस्टर दांगी कुछ फंड्स जैसे कि आदित्य बिरला सनलाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड और आदित्य बिरला सनलाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी मैनेज करते हैं। चलिए अब आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के पॉपुलर फंड्स देखते हैं। आदित्य बिरला सनलाइफ इक्विटी फंड एक मल्टी कैप फंड है और अपनी कैटेगरी में सबसे पुराने फंड्स में से एक है। ये 1998 में लॉन्च हुआ था और आज इसका एयूएम 9,648 करोड़ रुपीज है। ये फंड रिलेटिवली सेफ प्ले करता है और इसलिए इसका 65-70% पैसा लार्ज कैप्स यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट रहता है और बचा हुआ मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। मिड साइज्ड एंड स्मॉल कंपनियों में कम एलोकेशन की वजह से ये फंड राइजिंग मार्केट में शायद आउट परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन ये वॉलेटाइल मार्केट में लॉसेस को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। अपने 22 सालों के लंबे सफर में फंड ने लगभग 21% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। इसके 7 ईयर रिटर्न 16.87% है, जो कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगभग 3% ज्यादा है। आदित्य बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है, जिसमें आपको टैक्स बचत और ग्रोथ का डबल बेनिफिट मिलता है। आदित्य बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड 1996 में लॉन्च हुआ था और आज इसका एयूएम 9,100 करोड़ से भी ज्यादा है। इस फंड का 20 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरे ईएलएसएस फंड के मुकाबले काफी अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करता है, जहां ईएलएसएस कैटेगरी के ज्यादातर फंड्स 60-75% इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को एलोकेट करके लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। वहीं ये फंड लार्ज कैप्स को 40-45% और 45-52% मिड साइज कंपनीज को एलोकेट करता है। हालांकि मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन होने की वजह से इस फंड के रिटर्न्स शॉर्ट से मीडियम टर्म में अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अपनी इंसेप्शन से इस फंड ने 22% के अराउंड एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। इसके 7 ईयर रिटर्न्स और 10 ईयर रिटर्न्स 16.51% और 10.25% है, जो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों रिटर्न से ज्यादा है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इस फंड को पिक कर सकते हैं। आदित्य बिरला सनलाइफ सेविंग्स फंड एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डेट फंड है। ये फंड 2001 में लॉन्च हुआ था और आज इसका एयूएम 12,900 करोड़ रुपीज है। ये फंड प्राइमरीली सबसे हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग वाले पेपर्स में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी अपनाता है। इसकी 80% से ज्यादा एलोकेशन AAA और A1+ रेटेड बोरोवर्स में है। ये इंश्योर करता है कि क्रेडिट रिस्क कम से कम हो, क्रेडिट रिस्क यानी बोरोवर्स द्वारा पैसे या इंटरेस्ट रीपे ना कर पाने का रिस्क। साथ ही ये लेंडिंग ड्यूरेशन को भी कम रखता है ताकि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के रिस्क से भी बचा जा सके। इसके एक साल के रिटर्न 7.84% है, जो कैटेगरी एवरेज से 1.5% ज्यादा है। फंड के 3 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न 7.72% है और इसने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। आदित्य बिरला सनलाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक डेट फंड है और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। ये फंड 1997 में लॉन्च हुआ था और आज इसका एयूएम 20,000 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है।
नाउ एज पर रेगुलेशन कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स को कम से कम 80% पैसा ट्रिपल ए यानी कि हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने होते हैं और इसीलिए इस फंड का लगभग 90% पैसा हाईली रेटेड कंपनीज और सरकार को लेंड किया जाता है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि इस फंड का क्रेडिट रिस्क अच्छी तरह से कंट्रोल में रहे। इस फंड ने 3 सालों में 8.9% रिटर्न दिया है। इसने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क रिटर्न को पिछले 1, 3 और 5 सालों में एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। अगर आप फ्री में आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।